मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखिए अब इसमें हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, हम यहाँ पर एक रे ड्रॉ करेंगे, उस रे को हम नेम देंगे ए एक्स। रे ए एक्स लिया। अब ए बी की वैल्यू 9.3 हो, ए बी की वैल्यू कितनी हो 9.3 हो, ऐसा एक पॉइंट बी लेंगे, यानी ये जो वैल्यू है हमारी 9.3 सेंटीमीटर हो, ऐसा एक पॉइंट हमने ए बी लिया यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ से हमें एक बहुत ही छोटा पॉइंट लेना है जिसे हम नंबर क्या देते हैं, और ये जो वैल्यू है वो कितनी होगी 1 सेंटीमीटर की होगी। कितनी होगी 1 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 सेंटीमीटर। क्लियर। ओके, फिर से देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया, रे एक्स लिया, देन हमने ए बी 9.3 सेंटीमीटर हो, ऐसा एक पॉइंट बी लिया, देन बी सी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर हो, ऐसा एक पॉइंट सी लिया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ए सी का एक परपेंडिकुलर बना देना है। ओके, हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है जो क्या करे, एसी को बाइसेक्ट करे। ओके, एसी को बाइसेक्ट करे, तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर लेंगे और यहाँ पे हम आर्क बनाएंगे। बेटा एसी से आधे से ज़्यादा रेडियस लेकर एक आर्क यहाँ बनाइए, ए से एक नीचे बनाइए, फिर सी से उसको कट कीजिए और यहाँ भी कट कीजिए। ठीक है, आपके पास में स्केल और राउंडर होगा, उसे आप कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो वैल्यू आएगी सी की, वो मैं समझ लेता हूँ यहाँ पर आ रही है, जिसे हम पॉइंट पी देते हैं। अब पी को सेंटर लेकर और ए पी को हम रेडियस लेकर हम क्या करेंगे, एक हाफ़ सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक हाफ़ सर्कल बनाएंगे। क्लियर, हमने एक हाफ़ सर्कल बनाया। ओके, हाफ सर्कल बनाने के बाद में बी एक्स रे है यहाँ पे, बी एक्स रे पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, जिसको हमने यहाँ पर डी नेम दिया। क्या नेम दिया, डी दिया। ओके, अब इस डी को हमने यहाँ बी सी पे लिया है, तो ये जो वैल्यू होगी क्या होगी 9.3 रूट में। फिर से हम क्या करेंगे, बी को सेंटर लेंगे और बी डी को रेडियस लेके एक आर्क बनाएंगे, और ये आर्क कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ओके, और इसे हम नेम देंगे क्यू, और ये नंबर लाइन पर हमें क्या शो करेगा, रूट 9.3। क्या शो करेगा, रूट 9.3 शो करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है। फिर से हम देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक रे ली, एक्स लिया, उसके बाद में ए बी इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर हो, ऐसा एक पॉइंट बी लिया। ओके, देन हमने बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो, ऐसा एक पॉइंट सी लिया। ओके, उसके बाद में हमने ए सी पर एक प्रपेंडिकुलर बनाया, प्रपेंडिकुलर लिया जो ए सी को कहाँ कट करता है, पी में कट करता है, ए सी को पी में कट करता है। क्लियर। ओके, देन ये हमने पी को सेंटर लिया और ए पी को रेडियस लेकर यहाँ से एक हाफ सर्कल बनाया। क्या बनाया, हाफ सर्कल बनाया। ओके, अब यहाँ से हम बी डी को क्या लिया, बी डी परपेंडिकुलर लिया बी एक्स आर्क पे। ओके, देन बी को सेंटर लिया और बी डी को रेडियस लेकर हमने फिर से एक आर्क बनाया जो पॉइंट के पर कट करता है। बी एक्स को कहाँ कट करता है, पॉइंट के पर कट करता है, और ये जो के है ये नंबर लाइन पे रूट 9.3 शो करता है, जो हमने नंबर लाइन पे बोला है। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले ये जो कंस्ट्रक्शन हमने बनाया है, ये जो कंस्ट्रक्शन हमने बनाया है, ये आर्क बना दीजिए यहाँ पे, आप बना सकते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लिखेंगे जो रे ए एक्स, देन मार्क बी
ऑन रे ए एक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर. देन थ्री मार्क सी ऑन रे बी एक्स सच दैट बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. देन जो हम बाइसेक्टर बोलेंगे, बाइसेक्टर ऑफ ए सी, बाइसेक्टर ऑफ ए सी और उसे हम पी नेम देंगे. क्वेश्चन नंबर फाइव, पॉइंट नंबर फाइव में है वीटेक सेंटर पी एंड रेडियस ए पी एंड ड्रो अ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल लिया हमने, क्लियर? ओके, दो परपेंडिकुलर बी डी, परपेंडिकुलर बी डी लिया. देन बी डी की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स? 9.3 होगी. ओके, फिर एट नंबर में हम क्या लेंगे? टेक सेंटर बी एंड रेडियस बी डी एंड ड्रो एन आर्क ऑन बी एक्स रे बी एक्स. ओके, सो वी फाइंड के पॉइंट के विच इंडिकेट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन. तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो हमने ये कंस्ट्रक्शन बनाया है उसके सारे के सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं. ओके फ्रेंड्स, समझ में आया होगा? देख लीजिए फिर से एक बार मैं बता देता हूँ. इसमें आपको क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले हमने एक्स ड्रॉ किया, वो लिखा मैंने मार्क बी ऑन रे ए एक्स, हमने बी मार्क्स किया. लेकिन कैसा होना चाहिए बी? 9.3 होना चाहिए. उसी तरह हमने सी मार्क्स किया यहाँ पे बी एक्स रे पे. ओके, लेकिन सी कैसा होना चाहिए? बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो. फिर हमने इसका बाइसेक्टर फाइंड किया जिसको हमने पी नाम दिया. पी को सेंटर लो, ए पी को हमने रेडियस लिया और एक सेमी सर्कल खींचा. फिर यहाँ से बी डी पे हमने परपेंडिकुलर लिया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 9.3 होती है. टेक सेंटर बी एंड रेडियस बी डी एंड ड्रॉ एन आर्क्स ऑन रे बी एक्स, जिसे हमने के से इंडिकेट किया है. सो वी फाइंड पॉइंट के विच इंडिकेट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन. तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द
फॉलोविंग, ओके, वन में है 1/√7, सेकंड हमें दिया है 1/√-1/6, देन क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है √5+√2, एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है 1/√7-2, ओके। चलिए अब हम फाइंड करते हैं इनमें। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1/√7, इसे रैशनलाइज करें तो 1/√7 × √7/√7, ओके, तो यहाँ हो जाएगा √7, यहाँ हो गया √49, 7 × 7 = 49, तो इसका आंसर हम निकालेंगे फ्रेंड्स √7/7। क्वेश्चन नंबर टू में यहाँ पर दिया है √7-√6, ओके, तो यहाँ पर नंबर लाइन पे √7+√6 √7+√6 हो गया, ठीक है। रैशनलाइज है, माइनस है, तो रैशनलाइज नंबर से इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स √7+√6, यहाँ हो गया √7² - √6² तो √7+√6, तो 7-6, तो हमारा आंसर हो जाएगा √7+√6, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में होगा 1/√5+1/√2, तो यहाँ हो जाएगा 1/√5+√2, √5-√2, देन √5-√2, ओके। तो देखिए, रैशनलाइज है, यहाँ पे प्लस है, तो सेम टू सेम वही होगा, लेकिन सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/√5+√2 √5-√2, और यहाँ हो जाएगा √5² - √2² तो √5-√2, 5-2, तो यहाँ हो गया √5-√2 divided by 3, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में 1/√7-2, इसे रैशनलाइज करेंगे तो फ्रेंड्स देखो कैसे करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ हम लेंगे √7+√2, ओके, और यहाँ भी लेंगे √7+2, क्योंकि हमें मैथ्स के रूल्स के साथ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है, इनको कट करते हैं वह नहीं आता है, लेकिन इसके हम इससे रिलेटेड हम इसके आंसर में चेंजेस ला सकते हैं, यानी इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, आंसर में तो चेंजेस नहीं होगा 2, देन यहाँ हो जाएगा √7² - √2² यहाँ हो गया √7+2, देन 7-4, तो हमारा आंसर आता है √7+2/3। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्लियर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना 1.6 फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।